फरुखाबाद में दो सिपाहियों ने खाकी को शर्मसार कर दिया। आरोप है कि दो सिपाहियों ने एक युवक का अपहरण कर लिया। जानकारी के अनुसार रविवार शाम मेरापुर थाने के दो सिपाहियों ने जनसेवा केंद्र चलाने वाले युवक का अपहरण कर लिया और परिजनों से 2 लाख रुपए की फिरौती मांगी। इतना ही नहीं, सिपाहियों ने जिस कार से अपहरण किया उसमें पेट्रोल भी युवक के खाते से फोन पे के जरिए डलवाया। वहीं बेटे के अपहरण से परेशान पिता ने भाजपा विधायक सुशील शाक्य से संपर्क किया, जिसके बाद विधायक ने पुलिस अधिकारियों को फोन लगाया तो पुलिस ने किसी भी व्यक्ति को न पकड़ने की जानकारी दी। इस दौरान काफी देर बाद विधायक को रंजीत के आवास विकास कॉलोनी चौकी में बंद होने की जानकारी मिली। आनंद फानन में विधायक वहां पहुंचे तो दोनों सिपाही भाग गए। मेरे पास 1:30 बजे फोन आया नून नगर से, रंजीत नाम के लड़के को 2 SOG के सिपाही पकड़ के ले गए। तो जब मेरे पास जानकारी आई तो मैंने SOG के इंस्पेक्टर को फोन किया, उसने अनभिज्ञता जाहिर की कि ना तो हमारे सिपाही किसी को लाए हैं, हमारे स्टाफ का कोई आदमी नहीं है। तब मैंने एडिशनल SP को फ़ोन किया कि इस तरीके से 2 लोग रंजीत को नून नगर से पकड़ ले गए। मैंने थाना मेरापुर को फ़ोन किया, नून नगर थाना मेरापुर क्षेत्र में आता है। उसी समय मैंने फ़ोन किया CO कायमगंज को, CO फरुखाबाद को, क्योंकि मुझे जानकारी मिली कि फरुखाबाद के 2 सिपाही जीतू यादव और राम नरेश यादव जो SOG में रहे हैं वो इस तरीके का ठगाई का काम करते हैं। तो मैंने CO फरुखाबाद को भी फ़ोन किया। शाम को 6 बजे लड़के के पिता के पास फिर फ़ोन गया कि आवास विकास चौकी में 2 लाख रुपए लेके आ जाओ। तो मैंने उसके पिता से कहा कि तुम आवास विकास चौकी पहुंचो और मैं पहुंचता हूं। मैं शाम को आवास विकास चौकी पहुंचा, वहां उस समय इंस्पेक्टर कोतवाली बैठे हुए थे। इंस्पेक्टर कोतवाली ने बताया कि वो सिपाहियों को मैं पहचानता नहीं, लेकिन सिपाही वहां से भाग गए। रंजीत लड़का वहां था, जब उससे सारी जानकारी की और सब इंस्पेक्टर विशेष कुमार चौकी इंचार्ज आवास विकास, इन्होंने बताया कि 2 सिपाही रिंकू यादव सत्येंद्र नहीं कपिल यादव रिंकू यादव कपिल यादव ये चौकी अचरा के हैं, ये इस लड़के को पकड़ के लाए। आपको बता दें कि नूर नगर निवासी रंजीत सिंह गांव में जनसेवा केंद्र चलाते हैं। पीड़ित ने बताया कि मेरापुर थाने के 2 सिपाही केंद्र पर पहुंचे, दोनों ने खुद को SOG का सिपाही बताया और फर्जी आधार कार्ड बनाने का आरोप लगाकर रंजीत को बाइक से अचरा चौकी ले गए, जिसके बाद वहां से उसे कार में बैठा लिया और छोड़ने के एवज में 2 लाख रुपए की मांग करने लगे। मैं दुकान पे ऐसे बैठा था, वहाँ पे 2 लोग आए मोटरसाइकिल से। कौन-कौन, क्या नाम थे? नाम नहीं पता है। क्या थे, क्या कहा, क्या कहा? उन्होंने कहा मैं SOG टीम से हूँ। उसके बाद उन्होंने कहा चलो थोड़ा कुछ काम है, उसके बाद वो वहाँ से बैठा के ले गए मुझे। भरसा गांव से थोड़ा आगे एक बबूल का पेड़ है, वहाँ पे खड़े रहे करीब आधा घंटा। तो वहाँ पे उन्होंने रुपये और मांग की कि नहीं तो तुमको जेल में डलवा देंगे, ऐसा ऐसा केस लगा देंगे, ऐसे करके उन्होंने कई बार पूछा। तो वहाँ पे मैंने बात भी की अपने रिश्तेदारों या भाई पापा वगैरह से, इन सब लोगों से, और वहाँ पे रुपये भी कुछ मंगाए मैंने अपने फ़ोनपे में। तो फिर वहाँ से उन्होंने कहा चलो अच्छा आगे चलते हैं, कुछ काम है थोड़ा। तो फिर अचरा साइड में लेके अचरा ले गए, अचरा से थोड़ा पीछे वहाँ पे उन्होंने उतार दिया। उतार के उन्होंने मेरे साथ में 1 लोग को साथ में छोड़ा, फिर वहाँ से 1 लोग चले गए मोटरसाइकिल लेके। उसके बाद वापस वो गाड़ी लेके आए, फिर उसमें बैठाया। वहाँ से सरायगढ़ से होते हुए मोहम्मदाबाद आए, तब तक मैं बार बार अपने रिश्तेदारों से रुपए के लिए मांग करता रहा और इनको ये वही बार बार कहते 2 लाख रुपए कम से। पीड़ित की शिकायत के बाद SP ने दोनों सिपाहियों को निलंबित कर दिया है और मामले में जांच के आदेश दे दिए हैं। फिलहाल पुलिस अधिकारी मामले में जांच के बाद दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई का आश्वासन दे रहे हैं। पंजाब केसरी TV के लिए फरुखाबाद से दिलीप कटियार की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।